हमने बात की थी लास्ट लेक्चर में किसकी, एनिमल्स मीन्स ह्यूमन बींग या एनिमल्स में जो हॉर्मोन्स होते हैं उसके रिलेटेड बात करी थी। तो वहाँ पे हमने दो तीन ही देखा था, हम यहाँ पे पूरा टेबल देख लेते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से या तो ऐसे पूछेगा कि ये कौन से ग्लांड्स में से ये हॉर्मोन सेक्रेट हो रहा है, या तो इसका फंक्शन क्या है, कुछ भी पूछ सकता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये एक्टिविटी, एक बार ध्यान से देख लो आप। फर्स्ट है ग्रोथ हॉर्मोन्स, तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि ग्रोथ हॉर्मोन्स जो है वो किस ग्लैंड में से आएगा, तो पिट्यूटरी। किस में से आएगा? पिट्यूटरी। और ग्रोथ हॉर्मोन का काम क्या होता है कि जो ग्रोथ होता है हमारे ऑर्गन का वो सब क्या करता है, रेगुलेट करता है। ओके, सेकंड थायरोक्सिन, थायरोक्सिन कहाँ से आता है, तो थायरॉयड ग्लैंड से। कहाँ से आता है? थायरॉयड ग्लैंड से। फिर वो क्या करता है, रेगुलेट मेटाबॉलिज्म ऑफ बॉडी ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म। ओके, देखो ये एग्जाम में आ चुका है, ए एम सी के एग्जाम में आ चुका है कि जो इंसुलिन बॉडी के एग्जाम में ये क्वेश्चन आ चुका है कि इंसुलिन हार्मोन जो है वो किस ग्लैंड में से बाहर आएगा, तो पैनक्रिया में से। कहाँ से आएगा? पैनक्रिया। और जो इंसुलिन आपकी इंसुलिन ग्लैंड है वो क्या करती है, तो कौन किसको रेगुलेट करती है, तो ब्लड के जो शुगर लेवल है उसको रेगुलेट करती है। फिर टेस्टोस्टेरॉन और इस्ट्रोजन, तो टेस्टोस्टेरॉन, तो टेस्टोस्टेरॉन में कौन सी ग्लैंड है, तो टेस्टिस। टेस्टोस्टेरॉन में कौन सी ग्लैंड है? टेस्टी। इस्ट्रोजन कहाँ से? ओवरी। तो देखो ये दो है ना, वो सेक्सुअल हार्मोन है। टेस्टोस्टेरॉन है वो मेल का है और इस्ट्रोजन वो है फीमेल का है। ओके, तो वो फंक्शन क्या है? डेवलप ऑफ द सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर ऑफ द मेल। ओके, मेल के अंदर सेक्सुअल हार्मोन है ये, और ये जो इस्ट्रोजन है वो डेवलपमेंट ऑफ द फीमेल सेक्स हार्मोन। ये क्या है? फीमेल सेक्स हार्मोन है, और वो रेगुलेट क्या करता है? मेंस्ट्रुअल साइकिल। वो किसको रेगुलेट करता है? मेंस्ट्रुअल साइकिल को रेगुलेट करता है। लास्ट एड्रेनालिन, तो ये है एड्रेनिल ग्लैंड। ये क्या है? एड्रेनिल। और ये भी आ चुका है कि इमरजेंसी सिचुएशन के लिए क्या इंपॉर्टेंट है। देखो क्वेश्चन आपका था फ्लाइट एंड फाइट, लेकिन मैंने उसमें बता दिया था आपको कि ये जो ग्लैंड है वो इमरजेंसी सिचुएशन के लिए प्रिपेयर बॉडी फॉर एन इमरजेंसी कंडीशन, दैट इज कौन से एग्जाम्पल, आइदर फाइट या फ्लाइट। और लास्ट है सेवन्थ रिलीजिंग हॉर्मोन, तो इसमें हाइपोथैलेमस। ये क्या है? हाइपोथैलेमस स्टिम्युलेट्स पिट्यूटरी ग्लैंड्स टू रिलीज हॉर्मोन। ओके, स्टिम्युलेट पिट्यूटरी ग्लैंड्स टू रिलीज हॉर्मोन। तो देखो फिर से ग्रोथ हॉर्मोन का कौन सी ग्लैंड में से आएगा, तो पिट्यूटरी। थायरोक्सिन किस में से आएगा, तो थायरॉयड। इंसुलिन किस में से आएगा, तो पैनक्रिया। टेस्टोस्टेरॉन किस में से आएगा, तो टेस्टिस। इस्ट्रोजन किस में से आएगा, तो ओवरी। एड्रेनल ग्लैंड, एड्रेनालिन किस में से आएगा, तो एड्रेनल ग्लैंड। और रिलीजिंग हॉर्मोन किस में से आएगा, तो हाइपोथैलेमस। तो ये अलग अलग ग्लैंड हो गई और ये इसके फंक्शंस हो गए। ओके, अब यहाँ पे आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। टेक्स्ट का क्वेश्चन, हाउ डज केमिकल कोऑर्डिनेशन टेक प्लेस इन द एनिमल्स। ओके, तो इन एनिमल्स एंडोक्राइन ग्लैंड सेक्रेट केमिकल सब्सटेंस इन प्रिसाइज क्वांटिटी, दे आर डायरेक्टली रिलीज इन द ब्लड एंड थ्रू ब्लड सर्कुलेट दे रीच आवर टारगेट साइट। ओके, तो ये एड्रेनिन ग्लैंड है वो केमिकल सब्सटेंस जो है वो रिलीज करती है, और क्या होता है वो ब्लड में सर्कुलेट होता है, और वो रिलीज वो कहाँ पे पहुँचता है, टारगेट तक पहुँचता है। ऐसे ही स्पेसिफिक सेल ऑफ द बॉडी हैव अ स्पेसिफिक मॉलिक्यूल विच विद इन हार्मोन मॉलिक्यूल बाइंड एंड ट्रांसमिट इन्फॉर्मेशन। ऐसे ही इन्फॉर्मेशन ट्रांसमिट होती है और उसका ग्रोथ भी होता है। वाई इज द यूज ऑफ आयोडीन सॉल्ट एडवाइजेबल, यही बात है। देखो यहाँ पे बात की थी हमने कि थायरॉयड कहाँ पे, गोइटर। तो अगर थायरॉयड ग्लैंड है तो थायरॉयड ग्लैंड में से थायरोक्सिन आता है, लेकिन उसमें अगर आयोडीन की कमी होगी ना तो उसमें से गोइटर होगा, तो उसके कारण आयोडीन एडवाइजेबल है। हाउ डज अवर बॉडी रिस्पॉन्स वेन द एड्रेनल इज द सेक्रेट इन द ब्लड, एड्रेनल प्रिपेयर अवर बॉडी इन द इमरजेंसी सिचुएशन, एड्रेनल सेक्रेट इन टू द बॉडी शो फॉलोइंग रिस्पॉन्स, हार्ट बीट, ब्रीथिंग, ब्लड प्रेशर, स्केलेशन मसल्स। उसके कारण ये एड्रेनल ग्लैंड वहाँ पे पिक्चर में आती है। ओके, इमरजेंसी में। लास्ट, वाई आर सम पेशेंट्स ऑफ द डायबिटीज ट्रीटेड गिविंग इंजेक्शन ऑफ इंसुलिन, तो यही तो बात की थी हमने यहाँ पे। इंसुलिन वो कहाँ से पैन किया और रेगुलेट करता है शुगर लेवल, तो शुगर लेवल वो ही कंट्रोल करता है, तो इसीलिए इंसुलिन के इंजेक्शन भी आते हैं। अब टैक्स के एमसीक्यूज, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट हॉर्मोन्स, प्लांट हॉर्मोन में कौन सा है, तो साइकोडायनिन। फिर गैप बिटवीन दो न्यूरॉन के बीच में जो गैप होती है उसको साइनेप्स बोलते हैं। ब्रेन क्या काम करता है, तो थिंकिंग, रेगुलेटिंग, बैलेंसिंग, वो सब काम ब्रेन करता है। तो देखो यहाँ पे आपका चैप्टर क्लोज कंप्लीट होता है।
तो ये आपके यूनिट टेस्ट में इस बार जो यूनिट टेस्ट है उसमें ये चैप्टर है, तो आपके जो सिलेबस में जो भी चैप्टर थे वो हमने यहाँ पे कंप्लीट कर दिए। ओके, तो ये 7 चैप्टर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन यहाँ पे कंप्लीट हो गया।